हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल क्रोशिया विद तारा से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये 2 से 2.5 साल के बच्चे की कैप बनाना बताऊंगी। ये आपके 2 से 2.5 साल के बच्चे की कैप है, जो तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। और क्रोशिया से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है, और बहुत बिगनर भी इसको बना सकते हैं। तो आप आइए सीखिए। और जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि आपने किस नंबर का क्रोशिया लेना है और कैसी वूल लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको बनाइए। क्योंकि अगर आप वूल मोटी लेंगे तो क्रोशिया भी उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, और वूल पतली लोगे तो क्रोशिया भी आपको वैसा ही लेना पड़ेगा। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। और अगर आप इससे छोटे बच्चे की बनाना चाहते हो या बड़े की बनाना चाहते हो, तो मैंने वीडियो में आपको बताया एक एक चीज़। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए तो आपको समझ आ जाएगी, और ये कैप आप आराम से बना सकते हो। तो आइए सीखते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊन ले लेनी है। ऊन आप जो भी आपके पास ऊन हो, मेरे पास ये बेबी वूल है तो मैं बेबी वूल ले लूँगी। और ये मैंने क्रोशिया लिया है, ये देखिए यहाँ क्रोशिए का आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो 3.50 mm का क्रोशिया है, मतलब 9G पोनी का मेरा क्रोशिया है, और थोड़ा मोटा क्रोशिया है। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे धागे में गांठ लगानी है, ऐसे पकड़ना है और इसको डाल देना है। और यहाँ से इस धागे को नीचे पकड़ लेंगे और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद मैंने 50 इसमें चैन डालनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके मैंने 50 चैन डालनी है इसके अंदर। तो आपने यहाँ 50 चैन डालने के बाद, 50 चैन डालने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे पहला आपने चैन छोड़ देनी है, दूसरे के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे, फिर अगले में भी सिंगल क्रोशिया, उससे अगले वाले में भी सिंगल क्रोशिया। हमने 50 चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है ऐसे। तो मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फिर लास्ट में आ गए। लास्ट में आपने एक चैन बनानी है यहाँ पे और इसको पलट देना है। पलटने के बाद आपकी ये जो चैन दिखाई दे रही यहाँ पे, ये देखिए हमें चैन दिखाई दे रही। अब इस चैन में हमने क्या करना है, आपने इस तरफ की, ये देखिए इस तरफ की ये चैन छोड़ देनी है, और उस तरफ की चैन में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आपने पहले में नहीं बनाना, दूसरे में बनाना है एक चैन लेके ऐसे। ये देखिए उस तरफ की चैन में बनाना है, इस तरफ की में नहीं बनाना। सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए मैं सिर्फ उस तरफ की चैन में बनाऊंगी, इस तरफ की में नहीं बनाऊंगी। जो मेरी साइड है चैन उसको नहीं बनाऊंगी, दूसरी तरफ की चैन को बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न आएगा बन के। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस लाइन को। तो ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। और यहाँ लास्ट पे देखिए फिर मैंने इस तरह पलट लेना है इसको। पलटने के बाद फिर मैंने एक की चैन बनानी है, और यहाँ पहला छोड़ के दूसरे वाले में फिर पिछली चैन में इसको मैंने सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस आपने यही डिज़ाइन रिपीट करते जाना है। अब इसमें कोई भी डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल इजी वे में कैप बनने वाली है ये। तो इसको बिगनर भी बना सकते हैं। 50 चैन लेनी है आपने, 50 चैन में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। लेकिन ध्यान आपने क्या देना है कि जो चैन है हमारी, ऊपर चैन दिखाई दे रही है, उसका पीछे वाले हिस्से में जो बनी चैन है उसको हमने बुनना है, ये वाला नहीं, इस वाले को बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन आएगा उभर के। दोनों तरफ से दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए ये कुछ इस तरह का आएगा बन के।
ये लास्ट में। तो ये देखिए मेरा तीसरा राउंड ये पूरा हो गया, और ऐसे दिखाई देगा आपको, ये इस तरह का डिज़ाइन दिखाई देगा। तो मैं इस डिज़ाइन की कम से कम, ये मेरी तीसरी सिलाई है, सॉरी तीसरा राउंड है मेरा क्रोशिए का, तो मैं यहाँ कम से कम इस 50 चैन में, 50 चैन बनानी है आपने, और उसके अंदर आपने यही डिज़ाइन बनाना है। तो उसको आपने कम से कम 60 या 62 राउंड देने हैं ऐसे ही, और फिर आपको मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कम से कम, ये देखिए इस तरह का पैटर्न आएगा यहाँ पे, कम से कम मैंने यहाँ पे, अब मेरा जो ये राउंड है यहाँ मेरा 60 राउंड होने में अभी 2 लाइनें और बाकी हैं। तो ये मेरा 58 राउंड है, तो 59वां राउंड है मेरा अब। तो वही मैंने करना है, एक चैन बनानी है और एक ये पहले वाला छोड़ देना है, और दूसरे वाले में मैंने उस तरफ पलट के, ये देखिए सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाते हुए जाना है। थोड़ा ढीला ढीला हाथ रखिए आप। ये 59वीं लाइन है मेरे पास, 60 लाइन होने में मेरा, एक राउंड और बाकी है। तो ऐसे मेरा ये पैटर्न बनता हुआ जाएगा, और ये पल्ला इस तरह बनता हुआ दिखाई देगा। तो मैं इसको थोड़ा सा 2-3 राउंड और कंप्लीट कर लेती हूँ, 62 लाइनें मैं बना लूँगी इसकी। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे अपनी 64 लाइनें निकाल ली हैं, 60 और 4 लाइनें और निकाल ली हैं। तो यहाँ पे मेरी अगर मैं इनको एक एक करके गिनती हूँ इनको, तो ये मेरे 32 दिखाई दे रहे आपको, ये वाली लाइनें, तो ये 32 हैं। तो यहाँ 50 मेरे चैन के, ये मैंने पल्ला पूरा बना लिया। अब हमने क्या करना है इसको, यहाँ पे देखिए ये धागा मैं थोड़ा तोड़ दूँगी और इसको बंद कर दूँगी, इसके अंदर से निकाल के यहाँ से बंद कर दूँगी इसको, और इस धागे को सुई में डालूँगी। धागे को सुई में डाला आपने, और इस पल्ले को हम जिस तरफ से आपको सीधा दिखाई दे, वैसे दोनों तरफ से एक जैसा डिज़ाइन है, जिस तरफ से भी आप मोड़ना चाहें उस तरफ से मोड़ सकते हैं। और आपने ऐसे करना है, फिर इसको अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक एक दोनों तरफ से चैन उठाएंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ से एक चैन उठाएंगे और उस तरफ से, ऐसे करके मैं पूरी यहाँ तक इसको सिलाई कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ से हमारी कैप यहाँ तक सिलाई हो गई है, और अब हमने क्या करना है, अब मैं इस कैप में पॉम पॉम लगाऊंगी। उससे पहले मैंने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मेरा धागा है, तो यहाँ से मैं ये जो मेरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके सुई से मैं इस कैप को ऐसे इसके अंदर डालती ही जाऊँगी। इस तरह डालती जाऊंगी, पूरे में हमने ऐसे ही कर लेना है। और जहां तक हमने सिलाई की है, यहां तक हमने सिलाई की है, यहां आके निकाल देंगे, और इसको मैं थोड़ा टाइट कर दूंगी ऐसे।
ऐसे टाइट कर दूंगी। देखिए यहाँ पे टाइट कर दूंगी और इसको एक दो बार सिलाई सुई से एक बार दो बार राउंड को ऐसे से सुई के साथ पक्का कर दूंगी और यहाँ पे सुई छोड़ दूंगी, ये देखिए। और अब मैं पोम पोम बनाऊंगी इस पे लगाने के लिए, तो आप हाथ पे ऐसे लपेटिए ऊन को, ऐसे हाथ पे लपेट के आपने इसको ऐसे कर देना है और एक धागे की थोड़ा काट के इसको बीचों बीच में से बांध लेना है। थोड़ा टाइट बांधेंगे, थोड़ा टाइट करके बांधिए ताकि खुले ना ये। और ऐसे हमने दोनों तरफ से इस वूल को काट देना है, ये देखिए। ये देखिए काट देंगे इसको, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आप इसको चाहें तो छोटी कर सकते हो, इसको ऐसे छोटा कर सकते हो। ये देखिए इस तरह आप पोम पोम बना सकते हो। और पोम पोम बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस कैप को सीधा कर लेना है। सीधा कर लेंगे और सुई को इसके यहाँ से जहाँ से हमने इसको सिला था यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे और इस पोम पोम के अंदर हमने ऐसे सुई से इसको सिल देना है। पक्का कर देंगे हम इसको दो तीन बार ऐसे, यहाँ से बीच में से सुई निकालते जाएंगे और यहाँ पीछे की तरफ से पक्का कर देंगे इसको ताकि ये पोम पोम खुले ना। और फ्रेंड्स बहुत ही आसान बनने वाली चीज़ है और आप इसको आसानी से, मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताऊंगी कि आप कैसे, आपके बच्चे के जितना मर्जी छोटा बच्चा हो आपका या बड़ा हो, तो आप इसका मेज़रमेंट कैसे ले सकते हो जिससे आपकी कैप बिल्कुल अच्छी बन के आएगी और कभी भी ख़राब नहीं होगी, बनने में पहली बार में ही अच्छी बनेगी। तो मैं एक बार आपको सीधी करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी कैप बन के आई है और बहुत सुंदर लग रही है, ये देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। तो कोई भी नहीं बता सकता इसको कि क्रोशिये से बनी हुई है और बहुत ही प्यारी बन के आती। तो जब भी आप ये कैप बनाएंगे अपने छोटे बच्चे के लिए बनाएंगे, तो आपने क्या करना है, जो हमने यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, जो हमने यहाँ 50 चैन ली थी तो छोटे बच्चे के लिए आप 10 चैन कम कर दीजिए इससे। तो आपके छोटे बच्चे के अब मेज़रमेंट यही है कि आप 10 चैन कम कर देंगे, 40 चैन में बनाएंगे और इसकी लंबाई आप अपने बच्चे के जो गोलाई का, बच्चे का सिर की गोलाई है आप उसको नापिए और उसके अंदर आप इसको लगाइए, गोलाई को नापिए और फिर आप इसको बंद कीजिए। तो सबसे अच्छा मेज़रमेंट आपके कैप का यही है। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इजी स्टेप में बताई है आपको और छोटे बच्चों के लिए भी बनाना बताई है। ये आपके 2 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी, 2-3 साल तक के बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे एक क्नीटिंग का चैनल है जिस पे मैंने इसी कलर में और इसी वूल से मैंने क्नीटिंग में स्वेटर बनाई है, तो आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हो इसकी स्वेटर मैंने कैसे बनाई है। ये मैंने 2 से 3 साल के बच्चे की कैप बनाई है और वहाँ पे मैंने स्वेटर बनाई है। ये कैप मैंने क्रोशिये से बनाई है और वो स्वेटर मैंने सिलाइयों से बनाई है। तो उसका मैं स्वेटर का लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर बनाइए
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।